फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है स्मिता मैं हूं अंशु की मम्मा और आज मैं केमोमाइल टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आपके ऊपर एक्चुअली हम जब ऑटिज्म डायग्नोसिस होता है तो काफ़ी सारे चीज़ में ढूंढते हाँ, हैं डिस्कस करते हैं स्टडी करते हैं कि इसको कैसे हम रेगुलेट कर पाए बच्चे को तो ऑटिज़म मतलब ये हम तो अभी सभी लोग समझ गए हैं कि ऑटिज़म मीन्स इज़ अ बिहेवियरल इशू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इस बिहेवियर इशू को हमको कोर से मतलब जड़ से अगर ठीक करना है तो कोर पे काम करना होगा तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा स्टडी कर रही थी इसके ऊपर कि क्या कर सकते हैं इसके ऊपर सी ऑटिज्म मतलब उसका जो बिहेवियर्स आते हैं उस बिहेवियर को अगर हम मैनेज कर पाए रेगुलेट कर पाए तो काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो नॉर्मल रूटीन में जो वापस आ सकते हैं मतलब मेन्स नॉट मेन स्ट्रीम बट सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं बच्चे तो इस उम्मीद को पकड़ के हमको हर मुमकिन कोशिश करना है कि कैसे हम बच्चे को ठीक कर सके, ठीक मतलब मैनेज कर सकते हो उनके बिहेवियर को तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी और मुझे ये केमोमाइल टी के बारे में पता चला तो केमोमाइल टी इज़ बेसिकली जो केमोमाइल फ्लावर होते हैं उसको ही ड्राई करके उसको हम का वो चाय में यूज़ करते हैं जैसे ये मिंट फ्लेवर चाय या ग्रीन टी होता है इस जैसा ही ये केमोमाइल टी होता है बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जब मैंने स्टडी किया तो मैं भी हैरान रह गई है कि ये इतना अच्छा सा इतना अच्छा चीज़ है इतना हेल्दी एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं ये काफ़ी हद तक ऑटिज्म के जो बिहेवियर आते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं इस काम करता है लाइक like ऑटिज्म मतलब उसमें बच्चों का पहले जैसे जो, जो प्रॉब्लम मेन रहता है दैट इज़ स्लीपिंग डिसऑर्डर इंडाइजेशन डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज़ जो बिहेवियर इशू में मतलब जो ये हाइपर एक्टिव बोलते हैं हम बच्चे को जो ये सब बिहेवियर लाता है ऑटिज्म में इसके लिए ये दो चीज़ बहुत प्राइम है लाइक स्लीपिंग डिसऑर्डर नींद ठीक से नहीं होना तो दो भी बच्चे चिड़चिड़ करते हैं उनके बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं वो बच्चे दिन भर क्योंकि नींद नहीं हो रहा है तो बेचैन रहते हैं उसके डाइजेशन में इफ़ेक्ट होता है और जो डायरिया है कॉन्स्टिपेशन है ये सब भी रहता है इन बच्चों को इसके लिए भी काफ़ी हद तक बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं तो ये कीमोमाइल टी अगर हम रेगुलर बच्चे को दे सकते हैं तो ये ये दोनों चीज़ के ऊपर ये टी काम करता है और ये मैं मतलब ये आप लोगों को बोलने से पहले मैं लास्ट टू वीक से अंशु के ऊपर ये खुद ट्राई कर रही हूँ तभी मैं ये, ये आप सबको बोल रही हूँ इसके बारे में तो इसको इट्स अ वेरी सिंपल टी मेकिंग टी इसमें कोई झंझट नहीं है सिर्फ आपको पा, पानी बॉयल करना है एंड ये बड़े लोग भी हम लोग भी खा सक पी सकते हैं इसको कि ये जो नॉर्मल हम टी लेते हैं ना उस जैसा बिल्कुल नहीं है कि चाय देना है चाय देना है शुगर देना है मिल्क ऐड करना है ये कुछ नहीं सिर्फ आपको पानी को बॉयल करना है पानी जब बॉयल हो जाए तब उसमें आपको ये जो फ़्लावर्स है कैमोमाइल फ़्लावर जो ड्राइड आते हैं उसको उसमें डालना है बॉयल पानी के अंदर फिर उसको आप ढक्कन से ढक कर के ढक के रख दो कुछ देर फिर आपको वो पानी नींद स्टेन करके लेना है और उसके साथ थोड़ा सा हनी ऐड करके बच्चे को आप पिला सकते हो नाउ वॉट अबाउट द क्वान्टिटी तो क्वान्टिटी के बारे में ये स्लिपिंग मतलब ये बच्चों को ना नींद आती है इससे बच्चों को नहीं बड़े लोगों को भी आती है तो बट ये इसका जो क्वांटिटी है ये उस पर लिखा था कि वन टेबल स्पून फॉर टू कप वाटर फॉर चाइल्ड मतलब एक टेबल स्पून ये जो केमोमाइल टी के है, एक्सट्रैक्ट है वो आप उसके उसके ए दो कप पानी में एक टेबल स्पून वो ऐड करना है आपको और उसको बॉईल करके फिर हन स्टेन करके फिर हनी के साथ आप बच्चे को पिला सकते हो नाउ अगेन इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग बट अगर आपके बच्चे को अगर आप एक दिन ट्राई करते हो और उसके बाद कुछ भी अगर एलर्जिक सिम्टम आता है ऑल्दो इट्स नॉट एलर्जिक इट डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट बट स्टिल इफ़ इट इज़ कमिंग तो आप तुरंत बंद कर सकते हो बट मैं लास्ट दो वीक से अंशु के साथ ये ट्राई कर रही हूँ बट और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसमें मतलब कोई भी चीज़ मैं रैंडमली बोल नहीं सकती जो मैंने ट्राई किया है वही मैं चीज़ आप लोगों को बोल रही हूँ एंड ऑल्सो इट्स नॉट अ मतलब पेड प्रोमोशन कुछ नहीं है ये मैंने जस्ट स्टडी किया था कि ऑटिज्म के जो बिहेवियरल इश्यूज़ आप सबको तो अभी पता ही अंशु कितना हाइप पर है तो मुझे उस चीज़ के ऊपर काम करते करते मुझे वो स्टडी करते करते इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि यूज़ करके देखते हैं मेरे बच्चे के ऊपर तो मुझे मैंने यूज़ किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया कोई कोई मतलब बोलते हैं कि इसको मतलब अगर आप क्वांटिटी थोड़ा सा मतलब वन टेबल स्पून की जगह दो टेबल स्पून कर दो तो मतलब रात की जो नींद है वो बहुत अच्छी आती है जो जिन बच्चे को स्लिपिंग डिसऑर्डर है उन बच्चे को आप नींद के मतलब बेड टाइम से पहले ये टी वी ट्राई कर सकते हो अगर आप मेलाटोनिन नहीं दे लेते हो नहीं देते हो बच्चे को तो उसकी जगह आप अगर मतलब मतलब दवाई से स्टिक स्टिक नो नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव मेडिसिन टू माई चाइल्ड तो आप हर्बल चीज़ में ये टी ट्राई कर ट्राई कर सकते हो हाँ ये है कि ये मत सोचना कि टी का जो कंसेप्ट है कि अगर हम रात को सोने से पहले बच्चे को दो तो बच्चा और भी हाइपर हो जाएगा नहीं इससे स्लिपिंग होता है और मतलब स्लिपिंग मीन्स स्ट्रेस फ्री स्लीपिंग ये नहीं कि बच्चा सोएगा फिर जग जाएगा जग ऐसा नहीं होगा ये पूरा आराम से बच्चा सोता है इसके ऊपर मैं रात को अंशु को नहीं देती हूँ मैं दिन को देती हूँ दोपहर को इसको जब वो क्लास में जाने से मतलब क्लास से आने से क्लास आने के बाद मैं उसको दोपहर की जो नींद आए इसलिए मैं तब तो मेलाटोनिन नहीं यूज़ करती हूँ तो इतना हाइपर रहता है उसको मुझे थोड़ा सा सुलाना रहता है तो मैं इसके लिए ये टी थोड़ा सा उसको पिला देती हूँ तो क्या होता है कि वो दोपहर को थोड़ा सा एक घंटा ठीक से सो लेता है तो उसके बाद से फिर उठ के थोड़ा सा मतलब उसका मूड भी सही रहता है फिर वो काम कर सकते हैं उसके ऊपर तो यही है मैंने ये यूज़ किया है तो ये वंशों के ऊपर ये बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे मिला है और इसका जो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स में है जैसे मैंने पहले बोला कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है ये जो ऑटिज्म में बच्चे को आता है एंग्जाइटी स्ट्रेस ये सब चीज़ों के ऊपर भी ये टी मतलब ये केमोमी केमोमाइल जो फ्लावर है इसका उसके ऊपर भी बहुत काम करता है मतलब वो चीज़ के ऊपर वो जो बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं एंगजाइटी होता है स्ट्रेस होता है जैसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं चिड़चिड़ होते हैं बिहेवियर दिखाते हैं वो उसके ऊपर भी केमोमाइल फ्लावर ये काम करता है और इसके ऊपर रिसर्च हुई है मैंने स्टडी किया है इसके मतलब मैंने ये नेट पर स्टडी किया है कि ये वो लोग बोल रहे हैं कि ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं तो ऑटिज़म के जो बहुत सारे एरियाज़ हैं एंड डाइजेशन प्रो इश्यूज जो बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे को डायरिया हो गया स्टोमैक एक हो गया इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये कि मोबाइल फ्लावर के मोबाइल टी ये काम करता है मतलब उनमें भी बच्चे को आराम देता है मतलब डाइजेशन करने में आराम मतलब डाइजेशन अच्छे से होता है ये पीने से अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करो और जो स्टोमैक होता है कि पेट के दर्द से भी बच्चे कभी कभी नहीं सोते हैं रात को उनको पता नहीं चलता है तो भी इसके ऊपर भी ये काम करता है स्टोमैक के ऊपर फिर आपका जो कभी कभी होता है कि बच्चे अगर ज़्यादा वॉक करें या कुछ भी कर ले तो मतलब मसल पेन कभी कभी आता है बच्चे के ऊपर मतलब अंशु को भी तो काफ़ी होता है कि रा, रात में मुझे उसके पैर को दबाना पड़ता है कि मतलब उसको मसाज देना पड़ता है बिकॉज तो उसके पैर बहुत दुखते हैं रात को तो इसके ऊपर भी ये काम करता है इस चीज़ों के ऊपर तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस टी के तो आप ये ट्राई करो एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपके ऊपर ये कैसा काम कर रहा है एंड ये स्टडी बेस है एंड बाहर में तो ये रिसर्च हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर और यहाँ पे भी रामदेव जो स्टोर है रामदेव बाबा का वहाँ पे भी ये इसके ऊपर वो लोग भी मतलब ये हर्बल चीज़ है ना तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है आप मतलब आग बंद करके ट्राई कर सकते हो हाँ अगर कोई इस चीज़ का ज़्यादा कंटेन में ले ले क्वांटिटी में तो जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बट अदरवाइज इट्स सेफ मैं दो हफ्ते से इंचू को प्रॉपर रोज़ रोज़ दे रही हूँ इसको और इससे मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है हाँ तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखता कैसा है तो मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है आपको दिख रहा है ये फ्लावर है एक सेकंड मैं कैमरा साइड करके दिखाती हूँ आप लोगों को हाँ तो ये है केमोमाइल फ्लावर केमोमाइल टी तो इसको सिर्फ आपको वन टेबल स्पून लेना है विथ टू कप व, टू कप्स वाटर में लेना है वन टेबल स्पून और हनी के साथ ऐड करके बच्चे को पिलाना है स्टेन करके तो ये सिर्फ ये फ़्लावर है जो ना केमोमाइल फ्लावर है ये वो ड्राई करके ऐसा दिखता है और ये पैकेट है वो मैंने रख दिया था कि आप लोगों को दिखाना दिखा, दिखा पाऊँ कि ये है एक्चुअली पैकेट में दिखता है मैंने ऐसे ही रैंडमली अमेज़न से ऑर्डर किया था ये तो ये कुछ ऐसा है कि मोबाइल फ्लावर के मोबाइल टी तो ये आप इसके बेनिफिट्स नेट में जा भी गूगल कर सकते हो उसके ऊपर इसका बहुत सारे मतलब बेनिफिट को देख के मैं तो हैरान रह गई कि हाँ हर्बल में भी इतना अच्छा ऑप्शंस है हम बच्चे को यूज कर सकते हैं बच्चे के ऊपर मतलब ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं इसके ऊपर डोंट वरी तो ये था ऑल अबाउट के मोबाइल टी के बारे में और आप भी मतलब मुझे कमेंट सेक्शन के में बताइए आप अगर पहले यूज़ कर चुके कर चुके हो इसको तो आपको कैसा रिजल्ट मिला मुझे तो अभी हाँ, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा हैं अंशुक में सी देखिए जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव है जिनके में बिहेवियरल इशूज़ भर भर के है तो उनमें मतलब हम अगर हर्बल चीज़ में मेडिसिन को छोड़ के कुछ हर्बल चीज़ यूज़ करके बच्चे में वो बिहेवियरल इश्यूज सुधार सकते हैं सो इट्स गुड वी कैन गो फॉर इट वी शुड गो फॉर इट एक्चुअली सो ये सब ट्रिक ट्राई करना है हमको थोड़ा सा स्टडी करना है मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग भी स्टडी कर रहे हो तो ये भी आपका जो क्या मतलब इसके बारे में आ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज़ डू यूज़ इट अगर आपको किसी को इसको मतलब ख़रीदने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताओ मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेजोन से जैसे लिया है मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आप भी ये सब यूज़ कीजिए तो बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ में बहुत सुधार आपको भी दिखेगा तो ये सब चीज़ें और बड़े लोग भी मतलब जिनको भी ये जो नींद के स्लिपिंग डिसऑर्डर होते हैं एंगजाइटी इश्यूज आते हैं और मतलब स्टोमैक होता है कुछ और प्रॉब्लम होता है तो इसमें भी वो सब भी ये टी पी सकते हैं कोई ड्रिंक कर सकते हैं इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ये जो अभी चल रहा है मौसम मतलब बहुत ख़राब है अभी अंशु को भी हुआ था मुझे भी मतलब कोल्ड एंड कफ हो गया था तो भी इसमें भी ये टी ना बहुत हम लोग कड़ा जैसे पीते ना कड़ा बना के तो वो तो पी सकते हैं उसके अलावा ये भी हम उसके अंदर डाल सकते हो और इसको पी सकते हो तो ये ना सर्दी में भी बहुत अच्छा है ये हर्ब जो है ना ये बहुत अच्छा है तो सर्दी में मैंने वो अंशु को भी मतलब दो टाइम मैं दे दी थी उसको जब सर्दी हो अभी ये कुछ दिन पहले तो वो वहाँ पे भी ये चीज़ चाय काम पे आती है तो ऐसा मैंने वहाँ पे स्टडी में पढ़ा था तो ये सब चीज़ें अभी जो मौसम है उसमें इम्यूनिटी हमको बिल्ड करना है काफ एंड कोल्ड को दूर रखना है तो इसके लिए भी ये टी आप मतलब बहुत अच्छा रहता है फ़ायदेमंद रहता है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना इसको और ये था आज का वीडियो इस इसके मोबाइल टी के ऊपर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक इससे क्या होता है ना कि शेयरिंग भी होती है जो नॉलेज है उसको शेयरिंग होती है एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं ताकि अगर दूसरे पेरेंट्स को किसी को इसमें हेल्प मिले तो दूसरा एक बच्चे का बहुत सारा मतलब टाइम बच जाएगा पेरेंट्स के मतलब बहुत हेल्प मिलेगी ना उनके जो लोड शेयर हो जाएगा उनको भी मोटिवेट मिलेगा और आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो और आपको अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल तो क्या होगा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि मुझे भी लगना मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जैसे मोटिवेट करते हो मतलब कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है हाँ इट्स ओके आई एम डूइंग समथिंग फ्रूटफुल किसी को हेल्प मिल रहा है तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना सपोर्ट करना और आ, मैं जैसे जैसे ये सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ के ऊपर की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए उसका बिहेवियरल इशू कम हो जाए क्योंकि बिहेवियरल इशूज़ ना अगर कम होते हैं तो ही बच्चा मतलब सेटल हो पाता है एंड उसके बाद ही बच्चे का जो बात का डेवलपमेंट उसके बाद ही स्टार्ट होता है तो मैंने तो ऑलरेडी डायग्नोसिस लेट हुआ था तो मतलब इस जब चीज़ में मैं लेट चल रही हूँ बट इट्स ओके लेट इज़ बेटर देन नेवर ये मेरा मानना है तो इसको पकड़ के ही मैं चल रही हूँ और मुझे जो जो नॉलेज मिल रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि जो जो बच्चे अभी छोटे हैं जिन सेम प्लेटफॉर्म से गुजर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए यही मेरा इतना सा ही मतलब मोटिव है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना कमेंट करना एंड लाइक like करना इस वीडियो को एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल Thank you. Stay healthy. Take care. Bye.